देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में पता नहीं क्या है यार, माइक एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली एलिमिनेशन E1 टाइप, E2 टाइप, E1CB और EI या EC बोलते हैं, ये चार प्रकार के एलिमिनेशन होते हैं। E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म और EI EC। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर बोलेंगे या साइक्लिक एलिमिनेशन बोला जाएगा। ये चार प्रकार का एलिमिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें E1 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, ये कार्बोकेटायन में हम लोग E1 पढ़ चुके हैं, जिसमें लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन का फिर रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंजमेंट करने के बाद फिर बगल के कार्बन से एक H+ हटाना ताकि सेड्स एल्कीन बने, मेजर प्रोडक्ट इज सेड्स एल्कीन। ये सब लोग पढ़ चुके। आगे लिखो E2 दैट इज एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, E2 एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर पहला पॉइंट। ऑल एलिमिनेशंस आर सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। ऑल एलिमिनेशन प्रोसेस आर सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। ऑल एलिमिनेशन प्रोसेस आर सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। ऑल एलिमिनेशन प्रोसेस आर सपोर्टेड एट हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना कि लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन सपोर्टेड रहता है और हाई टेम्परेचर पे किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन सपोर्टेड रहता है, क्योंकि एलिमिनेशन में आप देखोगे, नोट करो, इन एनी एलिमिनेशन प्रोसेस 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। इन एनी एलिमिनेशन प्रोसेस 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड 1 वीक पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म। In any elimination process, 2 sigma bonds are broken. In any elimination process, 2 sigma bonds are broken and 1 pi bond gets formed. तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, pi बॉन्ड वीक होता है। तो कहने का मतलब दो स्ट्रांग बॉन्ड का तोड़ना और एक वीक pi बॉन्ड का बनना, तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है और जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, तो ओवरऑल ये रिएक्शन इन जनरल क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। और सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होंगे वो हाई टेम्परेचर पे सपोर्टेड। क्लीच एटलेस प्रिंसिपल भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सारा का सारा एलिमिनेशन प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे सपोर्टेड रहता है। जनरली देखोगे कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो होगा तो हीट जरूर लिखा रहेगा। E2 नोट करो, इन E2 मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय, इन E2 द मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय, इन E2 द मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय, इज इनिशिएटेड बाय अ स्ट्रांग बेस टेकन, इनिशिएटेड बाय अ स्ट्रांग बेस टेकन, स्ट्रांग बेस टेकन। सबस्ट्रेट के साथ हम लोग स्ट्रांग बेस लेते हैं, स्ट्रांग बेस ही प्रोसेस का शुरुआत करता है। E2 मैकेनिज्म का शुरुआत कौन करेगा, स्ट्रांग बेस जो लिए हो वो करता है। नोट करो, इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म without any intermediate formation. It is a one step mechanism without any intermediate formation. बिना किसी intermediate का,
जैसे SN2 एक स्टेप में हो गया, कोई कार्बोकटान नहीं बना, यहां पर भी कोई कार्बोकटान नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, एक स्टेप में ही एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। E2 हैपन्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, E2 हैपन्स थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान दो, R1 CH बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप R2। E2 के लिए भी हम लोग को वैसे ही सब्सट्रेट चाहिए जिसमें एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं रहा बगल में तो कोई E2 एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना और लिविंग ग्रुप का निकलना ये दोनों जरूरी है, तब जाकर ही पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे सबस्ट्रेट को अगर स्ट्रांग बेस के साथ लेते हैं, मान लो B- स्ट्रांग बेस है। अब स्ट्रांग बेस क्यों लेते हैं, क्योंकि बेस का काम है H+ हटाना। हम चाहेंगे कि बगल के कार्बन से H+ हटे, तो H+ हटाने वाला कौन होगा, स्ट्रांग बेस ही हो सकता है। कार्बन का H कोई वीक बेस नहीं हटा पाएगा, समझ में आ रहा। स्ट्रांग बेस, ये बेस शुरुआत करता है मतलब ये धीरे धीरे ये H को हटाता है, बगल वाले बीटा कार्बन पे, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, बीटा वाले कार्बन से धीरे धीरे H को हटाता है। देखो, किसी भी एलिमिनेशन में अगर बीटा कार्बन से H हटे तो उसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी कहलाता है, बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस। व्हाट इज अ बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकले और बगल वाले बीटा से H निकले। E1 भी बीटा एलिमिनेशन था, E2 भी बीटा एलिमिनेशन ही है। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा कार्बन से H का हटना। ये बेस शुरुआत कर दिया इस प्रोसेस को, धीरे धीरे ये H+ को हटाएगा। जैसे ही H+ धीरे धीरे हटेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक भी मारने लगेगा और धीरे धीरे लिविंग ग्रुप भी इकट्ठे एक साथ निकलना शुरू। समझ में आ रहा, स्लोली H+ का निकलना, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक के कारण लिविंग ग्रुप का भी निकलना, ये सारा चीज एक साथ ट्रांजिशन स्टेट। R1 CH CH R2, धीरे धीरे लिविंग ग्रुप निकल रहा विद डेल्टा माइनस, यहां धीरे धीरे पार्शियल पाई बन रहा है, धीरे धीरे H भी हट रहा है, वो धीरे धीरे बेस B के साथ जुड़ रहा है, बेस धीरे धीरे H हटा रहा है और धीरे धीरे साथ ही साथ इकट्ठे लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट विच फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद R1CH डबल बॉन्डेड CH R2 का बनना प्लस बी बॉन्डेड टू H प्लस लिविंग ग्रुप माइनस निकल गया, वी गेट अल्कीन। इन E2 वी गेट सेटजेफ अल्कीन एज मेजर। E2 प्रोसेस में भी सेटजेफ अल्कीन ही मेजर होता है। अगर आपको दो ऑप्शन मिले H हटाने का तो दोनों H हटा के चेक कर लेना कि कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा, कौन सा अल्कीन का सबसे ज्यादा अल्फा H का वैल्यू है, तो वो अल्कीन को ही हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अभी हम एनर्जी प्रोफाइल से आपको समझाएंगे। ऑब्वियसली यहां पर हम लोग लिखेंगे द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई B- का कंसेंट्रेशन। दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पहला स्टेप ही RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और एक ही स्टेप में ये प्रोसेस हो जाता है। RDS ही अपने आप में पहला स्टेप ही RDS है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई बेस का कंसेंट्रेशन। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज E2 इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म, इसलिए भी इसको E2 बोलते हैं हम लोग। और RDS में या इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट का और एक मॉलिक्यूल किसका, बेस का। ओवरऑल इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वर्सेज रिएक्शन कोऑर्डिनेट में एक स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
और जनरली ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट, यहां पर सबस्ट्रेट और बेस था और यहां पर अल्कीन है। इस पॉइंट पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। इस पॉइंट पे क्या रहता है? ट्रांजिशन स्टेट। यहां से यहां तक क्या डिनोट करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट नीचे आया, मतलब उसका एनर्जी घटा तो क्या होगा? नीचे आया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी घटने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ना। रेट कांस्टेंट का बढ़ना मतलब रेट का बढ़ना है कि नहीं। ये एनर्जी वाइज नीचे आ गया मतलब कि ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो E2 का रेट बढ़ जाएगा। रिमेंबर, रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी अगर बढ़ता है मतलब कि उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम हो जाने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, जिसके कारण रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ E2 होगा। यह बात समझ में आ रहा है? अब ट्रांजिशन स्टेट आखिर है क्या? ट्रांजिशन स्टेट एक पार्शियल पाई वाला एक स्टेट है। पार्शियल पाई, आखिर पाई बॉन्ड कैरेक्टर ही है, पार्शियल पाई वाला एक ट्रांजिशन स्टेट है। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मतलब कि इस पार्शियल पाई का स्टेबिलिटी का बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी ऑफ दिस पार्शियल पाई बॉन्ड। एंड ऑब्वियसली पाई बॉन्ड विल गेट स्टेबलाइज्ड व्हेन? बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इस पाई बॉन्ड को मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आ रहा है? एक और चीज गौर से देखो, जहां पार्शियल पाई बना है वहीं पे फाइनल पाई भी बना है। जहां पार्शियल पाई बना है वहीं पे फाइनल पाई भी बना है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में भी पाई बॉन्ड वहीं पर है। तो ऐसे समझो, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट, या यूं बोलो ये जितना पाई ज्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट E2, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड यहीं बनने वाला है, तो हम क्यों ना यहीं पे पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी देख ले। हम क्यों ना पाई बॉन्ड का यहीं पे स्टेबिलिटी देख लें और बोल दें कि यार ये पाई बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ E2 होगा। क्या कोई गलत बात है? यहां पे पार्शियल पाई में बात कर रहे हैं, यहां पे हम पाई बॉन्ड में बात कर रहे हैं। आखिर देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही ना, कि ये डबल बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट E2 का रेट होगा। क्या ये सब बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट भी उतना ही स्टेबल होगा, और ट्रांजिशन स्टेट अगर ज्यादा स्टेबल है तो E2 का रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रहा है? रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल अल्कीन ऑब्टेंड। जितना ज्यादा स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ E2 होगा। ऑब्वियसली अगर सेडजेफ भी बन सकता है, हॉफमैन भी बन सकता है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इसलिए सेडजेफ ज्यादा रेट से बनता है, हॉफमैन कम रेट से बनता है, इसलिए सेडजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट इन द E2 रिएक्शन। इसलिए सेडजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट इन द E2 रिएक्शन। चलो एक और तरीका से हम आपको समझाते हैं। मान लो एक अल्कीन है, CH3, CH2, CH2, CH3, यहां पे मान लो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और इसे हम लोग लिए बेस B- के साथ, ठीक है। B- यहां से भी H+ हटा सकता है, ऑप्शन वन, और B- यहां से भी H+ हटा सकता है, ऑप्शन टू। ऑप्शन वन का ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा? CH3CH।
ये बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, और ऑप्शन टू का ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, CH3CH2CH लिविंग ग्रुप पार्शियल पाई CH2, धीरे धीरे H निकल रहा है, बेस निकाल रहा है, ये बनेगा ऑप्शन टू का ट्रांजिशन स्टेट, ये बना ऑप्शन वन का ट्रांजिशन स्टेट, ये बना। कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इस पार्शियल पाई को तीन और तीन छह अल्फा है, इसे मिल रहा मात्र दो अल्फा है। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से समझाने का कोशिश करें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो एक ग्राफ ऐसे आया तो दूसरा ग्राफ ऐसे आया। ऑब्वियसली ये हो गया ऑप्शन वन वाला ग्राफ, ये हो गया ऑप्शन टू वाला ग्राफ। ऑप्शन वन ऑप्शन टू दोनों का ट्रांजिशन स्टेट यहां लाई कर रहा है। अगर ये लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा है तो ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, और अगर ये मोर स्टेबल है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होगी। यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसलिए इसका बनने का रेट ज्यादा है। साथ ही साथ अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्डेड CH CH3, और यहां फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH डबल बॉन्डेड CH2। ऑब्वियसली एक नंबर का ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल है और एक नंबर का फाइनल प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल है। ये हो गया सेडजेफ और ये हो गया हॉफमैन, एंड ऑब्वियसली सेडजेफ क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पहला टाइप का सवाल बोलेगा अरेंज इन द रेट ऑफ E2, जैसे मान लो ऐसे दे दिया CH3CH2CH2Cl CH3CH2Cl CH3CCH3CH CH2Cl, अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ E2। CH3CH CH3CH CL CH3, चार सबस्ट्रेट हम दिए और बोले कि E2 का रेट बताओ। E2 का रेट बताने के लिए आपको इसमें क्या करना है, आपको फाइनल प्रोडक्ट बना लेना है। फाइनल प्रोडक्ट अल्किन डिसाइड कर लो चारों में, सेडजेफ अल्किन चारों में डिसाइड कर लो, और जिसका फाइनल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल निकलेगा उसका E2 का रेट सबसे ज्यादा होगा। जैसे ये Cl और ये H हटेगा तो डबल बॉन्ड यहां लगाएंगे, 3 3 6 3 9, अल्फा कितना रहेगा 9, यहां से Cl हटाएंगे बगल से H हटाएंगे 3 और 3 6, यहां से Cl हटाएंगे यहां से H हटाएंगे, डबल बॉन्ड लगा अल्फा कितना 0, यहां से Cl हटाएंगे यहां से H हटाएंगे, डबल बॉन्ड लगाए तो अल्फा कितना मिला। किसका फाइनल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, चौथे का, इसलिए रेट ऑफ E2 विल बी इक्वल टू 4 greater than 3 greater than 1 greater than 2, बिकॉज रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सवाल फ्रेम होता है, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि यहां पर एक Cl लगाए, मान लो
ऐसे था। यहां पे सीएल लगा दिए, यहां पर एक सीएल लगाए, फिर यहां पर एक सीएल लगाए। अरेंज द फॉलोइंग इन द रेट ऑफ E2 प्रोसेस। रेट ऑफ E2 में क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? रेट ऑफ E2 क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली यहां से हटाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, तब जाके ये डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल बनेगा ZF। यहां से CL हटाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड और ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाई रेजोनेंस। सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किसमें मिल रहा है? चौथे में, फिर मिल रहा है तीसरे में। यहां से CL हटाएंगे, यहां से AKH हटाएंगे तो अल्फा कितना इसको मिलेगा? दो और दो चार, चार अल्फा। और यहां से सीएल हटाएंगे ऑब्वियसली, यहां से एच हटाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे तो तीन दो पांच और दो सात, ऑब्वियसली वन ग्रेटर देन। कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, सीधे लिविंग ग्रुप को हटाओ और बगल के कार्बन से एक एच को हटाओ, सेट द एल्किन बनाओ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। Rate of E2 will be directly proportional to the basic strength of the nucleophile of base. Obviously, जितना strong base होगा उतना fast H को निकालेगा और leaving group भी निकलेगा उतना ही fast। समझ में आ रहा है? Basic strength का order याद रखना, NH2 माइनस इज मच मोर बेसिक देन RO माइनस, मोर बेसिक देन OH माइनस। जनरली हम लोग यही तीन का इस्तेमाल करते हैं E2 रिएक्शन में, जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं E2 रिएक्शन में। यहां न्यूक्लियोफाइल वर्ड ही हम लोग नहीं लेंगे, बात ही नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ने का टेंडेंसी होता है कि कहीं कार्बोकैटायन है तो वहां जुड़ने का टेंडेंसी, यहां तो H प्लस रिमूवल टेंडेंसी की बात हो रही है। जो ज्यादा स्ट्रांग बेस उतना फास्ट E2 रेट, क्लियर? RDS में ही लिविंग ग्रुप का निकलना, ये सब RDS का स्पीड बढ़ा रहा है। तुम सोचो RDS में क्या क्या हो रहा है, एक बेस जाके धीरे धीरे H प्लस हटा रहा है, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी RDS में ही निकल रहा है, RDS में ही ये अल्कीन भी बन रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा उतना फास्ट RDS, तो उतना फास्टर रेट। जितना जल्दी ये H प्लस निकलेगा उतना फास्टर E2 का रेट, बोल सकते हैं ना? और यही बोल सकते हैं कि जितना जल्दी ये लिविंग ग्रुप भी निकलेगा उतना फास्टर E2 का रेट। रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। जैसे मान लो बोले RI ग्रेटर देन RBR, ग्रेटर देन RCL, ग्रेटर देन RF, ये हो जाएगा रेट ऑफ E2। और इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंटल इफेक्ट, व्हाट इज एलिमेंटल इफेक्ट? एलिमेंट के चेंज होने से रेट में चेंज, दैट इज एलिमेंटल इफेक्ट। एफ से सीएल, सीएल से बीआर, बीआर से आई, एलिमेंट ही तो चेंज हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि रेट भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग एक लाइन में बोलेंगे कि E2 में एलिमेंटल इफेक्ट होता है, लेकिन E1 में एलिमेंटल इफेक्ट होता है क्या? E1 में नहीं, कार्बोकैटायन वहां ही बनता है ना RDS में, तो जितना फास्ट निकलेगा लिविंग ग्रुप उतना ही फास्ट मिलेगा ना कार्बोकैटायन। E1 में भी रेट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। SN2 में क्या होता था? SN2 में भी लिविंग ग्रुप निकलता था RDS में, RI ग्रेटर देन RBR, ग्रेटर देन RCL, ग्रेटर देन RF, और बोलते थे कि RF का
आरएफ कभी भी SN2 शो नहीं करता, उसी तरीके से आरएफ E2 भी कभी शो नहीं करता, इसका अपना मैकेनिज्म है। इतना पुअर लिविंग एबिलिटी है कि E2 मतलब कि H और F दोनों एक साथ कभी नहीं निकलते, H कंप्लीट निकल जाएगा तब तक F नहीं निकलता है, मैकेनिज्म ही चेंज हो गया। E2 तो तब बोलेंगे जब H और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ RDS में निकले, समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं हम लोग एलिमेंटल इफेक्ट। एक और प्रॉपर्टी यहीं पे नोट करो, E2 शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, E2 शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि रेट ऑफ E2 CD3 CD2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप और CH3 CH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप, इसका रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि E2 में लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक साथ निकलते हैं RDS में, हाइड्रोजन का निकलना RDS में इन्वॉल्व है, और हमें पता है कि CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है, CH बॉन्ड वीक होता है, तो यहां पर H और लिविंग ग्रुप दोनों जल्दी निकल जाएगा, लेकिन यहां पे D के कारण ये D जल्दी नहीं निकलेगा, इसका RDS स्लो हो जाएगा, इसका RDS फास्ट हो जाएगा, इसलिए E2 का रेट। हाइड्रोजन के आइसोटोप के वजह से रेट में चेंज, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट। हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों, E1 में आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता हाइड्रोजन का, क्यों? क्योंकि E1 में H+ का निकलना फास्ट स्टेप में था, E1 मैकेनिज्म में देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H ऑब्जर्व, E1 में देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H ऑब्जर्व, E2 में ऑब्जर्व होता है क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना RDS में इन्वॉल्व है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी अभी आपने बताया कि किसमें E2 का रेट ज्यादा होगा, जैसे मान लो तुमसे बोले अरे CH3 CH2 Cl CH3 CH CH3 Cl और एक दे दिए CH3 C CH3 CH3 Cl, व्हाट विल बी द E2 रेट? द रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे फाइनल प्रोडक्ट जो अल्किन बनेगा अल्फा 0, यहां पर बनेगा तो अल्फा मिलेगा 3, यहां पर मिलेगा अल्फा 3 और 3 6, तो ऑब्वियसली 3 > 2 > 1, ये E2 का रेट आया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा E2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा हिंड्रेंस मतलब ज्यादा ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। आखिर इसका E2 का रेट सबसे ज्यादा आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि यहां पे 2-2 मिथाइल और लगे हुए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन देने के लिए। तो रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिंड्रेंस एट द कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। बेस कहां अटैक कर रहा है? कार्बन पे कर रहा है। अल्टीमेट आदमी यही देख रहे हो आगे बैठ के, पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखते हो थिएटर में, सिनेमा हॉल में नहीं देखते हो पिक्चर? कहां देखते हो पिक्चर पे? तुमको अगर हम पिक्चर बोले देखने के लिए कि जाए एक फिल्म देख के आ और एक्सप्लेन कर, तो कर ही नहीं पाएगा, तो ये आगे बैठ के तेरे को दिखता ही नहीं। और एक और बात, कार्बन पे हिंड्रेंस बढ़ गया तो SN2 तो कभी नहीं होगा, SN2 कभी नहीं होगा, इसलिए E2 होता है। मेन कारण ये है, अगर हम स्ट्रांग बेस ले लिए तो स्ट्रांग बेस इज इटसेल्फ अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, एंड स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कैन शो SN2 ऑल्सो।
अब 3 डिग्री में अगर SN2 नहीं हो सकता है तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, E2 कर देगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जब मैं SN2 पढ़ा रहा था तो हर जगह जहां भी 3 डिग्री वाला आ रहा था मैं एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाया था। विलियमसन सिंथेसिस में अगर 3 डिग्री आ गया तो क्या बनाएंगे, एलिमिनेशन। अमोनिया के साथ रिएक्शन में 3 डिग्री वाला आएगा तो क्या बनाएंगे, एलिमिनेशन। वही E2 रिएक्शन है, 3 डिग्री वाले के साथ हम क्या करा दे रहे थे, एलिमिनेशन करा दे रहे थे। तो E2 का रेट इज बेसिकली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। टेम्परेचर कम रहे या ज्यादा रहे 3 डिग्री में हमेशा एलिमिनेशन। 3 डिग्री में तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो बगल के कार्बन से H+ हटाएगा। लेकिन हाँ, 1 डिग्री और 2 डिग्री में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो E2 मेजर होगा, और 1 डिग्री में तो जनरली SN2 ही मेजर होता है, तुम चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ। ये सब हम एक साथ समराइज कराएंगे लास्ट में, है ना। हम लोग अभी अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसको मिक्स कर देंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा कि E1 होगा कि E2 होगा मेजर। E2 रेट क्लियर है, ये चीज क्लियर है। कौन सा सॉल्वेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा E2, प्रोटिक की एप्रोटिक, प्रोटिक की एप्रोटिक, अप्रोटिक लिख लो अभी। अप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट्स E2 मेजर, क्योंकि अप्रोटिक में आयनाइजेशन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, इसलिए अप्रोटिक में भी SN2 सबसे ज्यादा होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कार्बोकैटायन बने, आयनाइजेशन ना हो, आयनाइजेशन ना हो और बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा हुआ रहे, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर E2 रिएक्शन। एप्रोटिक सॉल्वेंट इज बेस्ट सूटेड। For E2 to happen, there must be anti-periplanarity present. या ऐसे सोचो, E2 के लिए anti-periplanarity होना जरूरी है, तब जाके E2 होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब ये देखेंगे ये एंटी पेरिप्लेनैरिटी क्या है। एंटी पेरिप्लेनैरिटी मस्ट बी प्रेजेंट फॉर E2, एंटी पेरिप्लेनैरिटी मस्ट बी प्रेजेंट फॉर E2। जैसे मान लो हम बोले ये सॉल्ट प्रोजेक्शन, ये हो गया H, ये हो गया लिविंग ग्रुप। देखो अल्टीमेटली पाई बॉन्ड बन रहा है ना, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब दो पी के ओवरलैप, पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो वो दोनों पी ऑर्बिटल को पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल तो ये भी है, ये भी है, एक प्लेन पे होना जरूरी है और साथ में पैरेलल होना जरूरी है। The p orbital should be coplanar and parallel to each other. Then only they can overlap to give a pi bond. जैसे मान लो कि अगर ये p orbital, ये p orbital, ये दोनों overlap करेगा तो क्या बनेगा, pi bond. दोनों का parallel होना जरूरी है। अगर एक p ऐसे हुआ और एक p ऐसे हुआ तो overlap करके pi bond नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये p orbital और ये p orbital भी parallel है, लेकिन ये दोनों का ओवरलैप देगा क्या पाई बॉन्ड, एक प्लेन पे होना जरूरी है, तब जाकर हम लोग को पाई बॉन्ड मिल सकता है। तो ध्यान दो,
जब यहां से एच हटेगा और यहां से लिविंग ग्रुप हटेगा तो ऑब्वियसली यहां पर क्या जनरेट होगा, पी ऑर्बिटल, और ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या देंगे, पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आ रहा है? ये दोनों पी ऑर्बिटल तब पैरेलल और कोप्लेनर हो सकता है जब ये एच, ये कार्बन और ये लिविंग ग्रुप सब एक प्लेन पे रहे, कोप्लेनर। दिस सिस्टम शुड बी कोप्लेनर, देन ओनली आई कैन गेट अ पी ऑर्बिटल विच कैन ओवरलैप टू गिव अ पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा? अगर यहां भी एच है तो ऐसा नहीं है कि हम ये लिविंग ग्रुप को हटा देंगे और ये एच को हटा देंगे। अगर ये लिविंग ग्रुप को हटाओगे तो यहां पी ऑर्बिटल मिलेगा, ये एच को हटाओगे तो यहां पी ऑर्बिटल मिलेगा। क्या ये दोनों ओवरलैप करके देगा पाई बॉन्ड? नहीं ना। बात समझ में आ रहा? लेकिन रोटेशन चल रहा है, रोटेशन अगर चल रहा है तो बारी बारी से ये तीनों में से कोई भी एच आएगा तो यहां आएगा, हट जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये मैटर वहां करेगा बेटा जहां रोटेशन हिंडर्ड है, जहां रोटेशन रुका हुआ है वहां मैटर करेगा। बात समझ में आ रहा? जहां रोटेशन चल रहा है तो वहां पे पेरिप्लेनैरिटी आ ही जाएगी और ई2 एलिमिनेशन होना ही होना है। ये बात समझ में आ रहा? अगर ये मिथाइल होता, ये मिथाइल होता, यही एच होता, तो हम लोग ये एच को भी हटाएंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। और क्या रीजन देंगे कि रोटेशन चल रहा है तो घूम के आएगा ही आएगा, पैरेलल जैसे ही हुआ, कोप्लेनर जैसे ही हुआ, वैसे ही पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा? तो ये चारों एटम का एक प्लेन पे होना कोप्लेनर, या इसी को बोलते पेरी प्लेनैरिटी। अब देखो, बाद में कॉपी करना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से सोचते हैं। H प्लस धीरे धीरे निकलेगा तो इसके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज आएगा पेयर के साथ। समझ में आ रहा? इधर से बॉन्ड, ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है ना। H प्लस निकला तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाइड रहेगा। लिविंग ग्रुप भी इसी डायरेक्शन में है। अब लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए इसको इंटरनल अटैक मारना, व्हाट इज इंटरनल अटैक, ओवरलैप को ही इंटरनल अटैक कहते हैं। ये तो फील्ड है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका इस तरफ होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद कर SN2, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस कार्बन का ऑपोजिट साइड। ये खाली है, ये कार्बन अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाई कराना चाह रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये दोनों ऑपोजिट साइड होने के कारण क्या ये ऑक्यूपाई करा देगा? क्या उन दोनों में ओवरलैप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब सिचुएशन देखो, अब ये एक्चुअल डायग्राम है जो तुम कॉपी कर लेना। यहां पे दो ग्रुप, यहां पर एक एच, यहां पर लिविंग ग्रुप और दो ग्रुप ऐसे हूं। तो यार ये वाला भी सिस्टम जो है वो कोप्लेनर ही है, ये वाला सिस्टम भी कोप्लेनर ही है। और ध्यान रखना, जैसे जैसे एच जाएगा वैसे वैसे यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट होगा। ये अगर बॉन्डिंग है तो इसका ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि खाली है, ये तुरंत ओवरलैप करना शुरू कर देता है। ओवरलैप करा और ये लिविंग ग्रुप का निकलना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आके ऑक्यूपाई कर जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैंसल्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं एंटी पेरिप्लेनैरिटी। पेरिप्लेनर माने कोप्लेनर, और एंटी मतलब लिविंग ग्रुप के हिसाब से हमेशा एंटी वाला, ऑपोजिट साइड वाला हाइड्रोजन ही हटता है।
एच और लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होंगे तब जाकर ई टू एलिमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां देखो, यहां पे ई टू एलिमिनेशन होगा नहीं होगा, इसे कहते हैं एंटी पेरिप्लेनरिटी। एच एंड द लिविंग ग्रुप शुड बी, एच एंड द लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एंटी टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद मान लो यहां पर एक मिथाइल कर दिए, यहां पर एक एच कर दिए, यहां पर सीएल कर दिए, यहां एच कर दिए, क्या ये ई टू रिएक्शन शो करेगा? 100% करेगा। यहां पे भी दो मिथाइल लगा दिए, क्योंकि इधर से भी तो हाइड्रोजन जा सकता है, क्या ये ई टू शो करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सीएल तो निकलेगा ही निकलेगा। अब हम बगल वाले कार्बन पे सर्च करेंगे एंटी हाइड्रोजन, इज इट प्रेजेंट? यस इट इज प्रेजेंट, ऑपोजिट साइड। अब यहां पे एंटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन नहीं है, बगल में हाइड्रोजन इधर है ही नहीं। ये एच और ये सीएल निकल के डबल बॉन्ड बन जाएगा आंसर। बट यही सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर देते कि यहां पे कर देते एच ऊपर सीएच थ्री नीचे, यहां भी कर देते सीएल ऊपर और एच नीचे, क्या इसके साथ ई टू मैकेनिज्म होता? क्या इसके साथ ई टू मैकेनिज्म होगा? नहीं होगा। सीएल और एच बगल में तो एच है ही नहीं, सीएल और एच दोनों शून्य, नो ई टू। अगर एक हाइड्रोजन आपको सिन दिख रहा है तो उसे मत हटाना, फिर बगल में जाना, बगल में चेक करना कि हाइड्रोजन है कि नहीं है, यहां तो हम दिए ही नहीं। अगर ये दोनों मिथाइल नहीं होता तो बगल का एक हाइड्रोजन निकाल देते, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऊपर होता तो एक हाइड्रोजन नीचे होता। सिन और एंटी की बात वहां किया जाता है जहां पर रोटेशन हिंडर्ड है। ओपन चेन में तो एंटी आएगा ही आएगा किसी न किसी टाइम पे, और एलिमिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे? इज दिस क्लियर? तो रिंग में तो यार दो तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने ऐसे आ सकता है, तो हो सकता है दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ जाए कि रिंग है, यहां पे हम कर दिए दो मिथाइल, यहां पे कर दिए मान लो सीएल, यहां ऊपर की ओर है एच और यहां पर है डी, और मान लो इसका ई टू अगर करा रहे हैं तो कौन कौन से दो को हटाना है? कौन कौन से दो चीज को हटाना है? ऑब्वियसली सीएल निकलने को तैयार है, लेकिन बगल में इधर हाइड्रोजन नहीं, इधर हाइड्रोजन है, तो किसे हटाएंगे? एंटी, एंटी पोजिशन में जो होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां एच को छोड़कर यहां से डी को हटाकर हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे। क्लियर? E2 in a chair form, ये होता chair form। chair form के ये सारे axial bond, chair form के ये सारे axial bond और chair form के ये सारे equatorial bond, येलो वाले सारे इक्वेटोरियल और वर्टिकल वाले सारे के सारे एक्सियल। ई टू एलिमिनेशन अल्फा बीटा के बीच में होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलता है और बीटा से एच निकलता है, एडजेसेंट कार्बन। तुम देखकर यह बताओ कि चेयर फॉर्म में कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन को देख, कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन को देखो, क्या इक्वेटोरियल वाले आपस में एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन किए हैं? क्या दो इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन पेरिप्लेनर है, कोप्लेनर है? एंटी तो दूर की बात है, कोप्लेनर है? क्या ये दोनों कोप्लेनर है? क्या ये और ये कोप्लेनर है? ये या ये कोई भी दो, लेकिन गौर से देखो, दो एक्सियल को,
किसी भी दो एडजेसेंट कार्बन के एक्सियल को देख, एक एक्सियल ऊपर तो एक एक्सियल नीचे, एंड ऑब्वियसली एंटी पेरिप्लेनर, ये एक्सियल नीचे तो यहां का एक्सियल ऊपर, एंटी पेरिप्लेनर, यहां का एक्सियल ऊपर तो ये बगल का नीचे, कहीं भी कोई भी दो एडजेसेंट का एक्सियल को देखो आपको एंटी पेरिप्लेनरिटी दिखेगी। एनी टू एक्सियल बॉन्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन सेटिस्फाइज एंटी पेरी प्लेनारिटी, बट इक्वेटोरियल नेवर सेटिस्फाइज। देयर फॉर ई टू हैपन्स ओनली इफ द लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एक्सियल बॉन्ड। अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल बॉन्ड पे मौजूद होगा तब जाके ई टू एलिमिनेशन होगा। ऑल्सो वी ऑलवेज रिमूव द एक्सियल हाइड्रोजन। ऑल्सो वी ऑलवेज रिमूव द एक्सियल हाइड्रोजन। ऑल्सो वी ऑलवेज रिमूव द एक्सियल एच, बगल के कार्बन से एक्सियल एच को हटाएंगे, कार्बन से लिविंग ग्रुप को हटाएंगे और बगल से लिविंग ग्रुप का भी एक्सियल पे होना जरूरी है और बगल के कार्बन से एक्सियल एच को भी हटाया ही जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल देन डू द फ्लिपिंग। हमें पता है कि मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग चल रहा है, फ्लिपिंग चलता है ना। अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे दिया हुआ है तो उसको फ्लिप मार के एक्सियल पे लेके आओ, उसके बाद ई टू कराओ। एनीवे लिविंग ग्रुप को एक्सियल पे लाना है, या तो एक्सियल पे पहले से ही होगा या फ्लिप करा के उसको एक्सियल पे लाना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमको दिए एक ये चेयर फॉर्म है, यहां मान लो दे दिए सीएल, यहां दे दिए मान लो डी, यहां दे दिए एच, यहां पर एक मिथाइल और इधर भी एक मिथाइल, और बोले ई टू करा, तो ऐसा थोड़ी है कि ई टू नहीं कराएंगे। सर ने तो लिखा है कि लिविंग ग्रुप होना चाहिए एक्सियल पे, यहां तो इक्वेटोरियल पे है, तो कैसे कराएंगे? डू द फ्लिपिंग, फ्लिप कराओ इसे। फ्लिप कराने आता है ये चेयर बना, फ्लिपिंग के बाद ये एक नंबर कार्बन, दो नंबर, तीन, चार, पांच, छह, ये हो गया एक नंबर कार्बन, क्योंकि फ्लिपिंग में एक नीचे आता है, चार ऊपर जाता है। ये एक नंबर, नंबरिंग ऊपर से किया हुआ है, तो यहां भी दो, तीन, चार, पांच, छह, अब ग्रुप लगाओ यहां पर। एक नंबर पे यहां सीएल इक्वेटोरियल पे था, तो सीएल कहां आ जाएगा? एक्सियल पे आएगा। दो नंबर पे दो मिथाइल है, कोई बात नहीं, एक को एक्सियल पे, एक को इक्वेटोरियल पे। और छह नंबर जो कि यहां पर है, डी था इक्वेटोरियल पे, तो डी जाएगा एक्सियल पे, एच आएगा इक्वेटोरियल पे। फ्लिपिंग के बाद सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल हो जाते और सारा इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता। अब एलिमिनेशन कराओ, अब सीएल निकलने को तैयार है, बगल के कार्बन से किसे हटाएं? तो यार यहां पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे हाइड्रोजन है, एच भी है और डी भी है, किसे हटाया जाए? बात समझ में आ रहा? जो एंटी पेरिप्लेनरिटी सेटिस्फाई करेगा उसे हटाएंगे। समझ में आ रहा? ये दोनों को हटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। क्लियर? कंफर्मेशन पढ़े हो? Yes, देखो
किसी का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कमजोर रह गया है तो कृपया करके 13th बैच में अरेंज अटेंड कर लें। शुरू हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है। कब क्या पता लगाओ जाके कब, मैंने पूरा मैंने चम्मच उढ़ेले मुंह में। कहीं भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अटेंड कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रहा? फ्लिपिंग नहीं हो पा रहा है। ये होता चेयर, चेयर बनाने आता है, ये एक नंबर, ये चार नंबर, एक नंबर को नीचे ला, चार नंबर को ऊपर कर, एक नंबर इधर आ गया, चार नंबर इधर आ गया, समझ में आ रहा? जितने यहां एक्सियल थे सब इक्वेटोरियल बन जाएंगे, और जहां जितने इक्वेटोरियल थे सारे एक्सियल बन जाएंगे। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। एक यहां दिए, अगर दो यहां दिए, मतलब आपने नंबरिंग क्लॉकवाइज किया। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। या यूं सोचो नंबरिंग ऊपर से किए, एक दो तीन चार पांच छह, तो यहां पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। या सोचो ऊपर से जाना है, एक दो तीन चार पांच छह, अगर एक के बाद दो यहां दिए होते तो यहां पर एक के बाद दो हम यहां दिए होते, समझ में आ रहा? तो बाकी जो ग्रुप जैसे दिख रहा है वैसे एक्सेल इक्वेटोरियल बना लीजिए। रेट ऑफ E2, दो सवाल और। एक मिनट, ये सीएल का पोजीशन ऐसा, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट आपको सेम मिल जाए किसी दो सबस्ट्रेट में, जैसे आपको पहला और दूसरा में मिलेगा, सेम मिल रहा है ना, यहीं पे वो स्टेटमेंट का रोल आएगा बेटा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिंड्रेंस प्रेजेंट एट द कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा बात? यहां पे आई हटाओगे तो यहीं से एक एच हटाओगे, यहीं डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी ये आई हटाओगे तो यहीं से एक एच हटाओगे तो यहीं डबल बॉन्ड बनेगा। सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर भी रेट का अंतर कहां है? ये है 2 डिग्री का कार्बन, ये है 3 डिग्री का कार्बन। 3 डिग्री वाला कार्बन पे ज्यादा हिंड्रेंस, ज्यादा हिंड्रेंस ज्यादा रेट, 2 > 1 > 3। 2 > 1 > 3, क्लियर है सबको? अगला, अगले में यहां से सीएल, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां है, ये निकल सकता, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे सीएल और यहां पर एक एच है, या इधर भी एक एच है, डिसाइड करेंगे। यहां पे सीएल और यहां पर एक एच, ये भी हट जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बारे में सोच के बताओ, क्या आप पाई बॉन्ड बना पाओगे ब्रिजहेड कार्बन पे? क्या ब्रिजहेड कार्बन पे पाई बॉन्ड बनाया जा सकता है? कभी नहीं। ब्रेड रूल, ब्रिजहेड कार्बन पे नो कार्बोकैटायन एंड नो पाई बॉन्ड कैन गेट फॉर्म्ड। देयरफॉर दो नंबर का E2 तो होगा ही नहीं, ऑर्डर में लिखने का जरूरत नहीं है, E2 होगा ही नहीं। अब बच गया ये और ये, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री में ज्यादा हिंड्रेंस, 1 > 3 > 2।
examples of E2. Okay. Pahla reaction. Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation reaction. बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. डीहाइड्रो हा कहां कहां हाँ कहां पे हिंड्रेंस ज्यादा होना चाहिए. लिविंग ग्रुप ये है कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप आयोडीन है ना कि हाइड्रोजन है. कार्बन है लिविंग ग्रुप. कार्बन बॉन्डेड टू आयोडीन. तो इस कार्बन पे हिंड्रेंस देखना है. इस कार्बन पे हिंड्रेंस देखना है. तो यहां 3 डिग्री वाला कार्बन है. यहां 2 डिग्री वाला कार्बन है. डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन का रिएजेंट रिएजेंट एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक KNH2. लेकिन ये ज्यादा कॉमन है. तो बेसिकली कौन सा एल्कोहल होता है? इथेनॉल प्लस KOH. तो कभी कभी इथेनॉलिक KOH भी लिखा रहेगा. बात वही इथेनॉलिक KOH. इथेनॉलिक KOH एल्कोहलिक KOH. कैसे प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन सॉलिड KOH इज डिजॉल्व्ड इन ETOH. सॉलिड KOH को हम लोग इथेनॉल में मिला देते हैं. सॉलिड KOH को एक्वस KOH को नहीं. एक्वस KOH इथेनॉल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि KOH के साथ वाटर प्रेजेंट है. एक्वस में मतलब KOH के साथ वाटर प्रेजेंट है. वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक? वाटर ज्यादा एसिडिक. तो जो KOH है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है. इथेनॉल को छोड़ देता क्योंकि वाटर स्ट्रांग एसिड. लेकिन बिना वाटर का सॉलिड KOH अगर डालोगे तो ये डेफिनेटली KOH जो है वो ETOH के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा. ETO माइनस प्लस वाटर. लेकिन ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाटर स्ट्रांग एसिड बन रहा है. ये इक्विलिब्रियम ज्यादातर बैकवर्ड रहता है. बैकवर्ड ही रहता है. बस समझ में आ रहा? फॉरवर्ड या आगे रिएक्शन बढ़ता नहीं ज्यादा. मतलब एल्कोहलिक KOH में OH माइनस ही ज्यादा क्वांटिटी में रहता है और साथ में कुछ ETO माइनस भी रहता है. OH माइनस भी स्ट्रांग बेस है. ETO माइनस भी स्ट्रांग बेस है. और ये दोनों स्ट्रांग बेस मिलकर E2 एलिमिनेशन करते हैं. समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये OH माइनस चारों तरफ से इथेनॉल से घिरा हुआ है. OH माइनस इज सॉल्वेटेड बाय इथेनॉल. इथेनॉल इज लेस पोलर. Therefore, less solvation. What is the difference in saying aqueous KOH and alcoholic KOH? ये aqueous KOH भी तो पढ़ाए हैं. Aqueous KOH तुरंत बोलते हो SN2 या SN1. एक डिग्री दो डिग्री पे SN2 और 3 डिग्री वाले पे SN1. लेकिन alcoholic KOH हम लोग एलिमिनेशन में पढ़ रहे हैं. बेसिक अंतर यही है कि यहां OH है सॉल्वेटेड बाय इथेनॉल और यहां पर है OH माइनस सॉल्वेटेड बाय वाटर. हाईली सॉल्वेटेड. देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक अ वीक बेस. वीक बेस. लेकिन यहां पर लेस सॉल्वेटेड होने के कारण लेस सॉल्वेटेड देयरफॉर स्ट्रांग बेस. हाईली सॉल्वेटेड वीक बेस. हम लोग बेसिकली OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दिए वाटर में लेकर. वाटर में लेकर बेसिक स्ट्रेंथ घटा दिए और वही इथेनॉल में लेकर उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिए.
तो एल्कोहलिक केओएच एलिमिनेशन करता है, लेकिन एक्वस केओएच सब्स्टिट्यूशन करता है, एलिमिनेशन नहीं करता। समझ में आ रहा है? साथ ही साथ एक और बात, एल्कोहलिक केओएच के साथ ना हीट भी लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में फिट कर लो। एल्कोहलिक केओएच मतलब E2 एलिमिनेशन, एल्कोहलिक केओएच मतलब E2 एलिमिनेशन, एकदम दिमाग में फिट। हमेशा अल्किन बनाना अल्काइल हैलाइड से, अभी हम रिएक्शन लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सॉलिड केओएच को इथेनॉल में मिलाते ही नो डाउट एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर अपने आप सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। एल्कोहलिक केओएच अपने आप में गर्म चीज है, अगर अगर उसको प्रिपेयर किए तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो एल्कोहलिक केओएच अपने आप में वार्म स्पीशीज है, और वार्म स्पीशीज क्या करेगा? एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा, एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। ध्यान रहे, CH3, CH2, CH, Cl, CH3, यहां हम लिख रहे एनी अल्काइल हैलाइड X नॉट इक्वल टू F, यहां हम X कर दिए, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। इट कैन बी क्लोराइड, इट कैन बी ब्रोमाइड, इट कैन बी आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, when treated with alcoholic KOH, alcoholic KOH is always E2. हैलोजन को हटाएंगे बगल के कार्बन से, H को हटाएंगे और सीधे अल्किन बनाएंगे ZF major। लेकिन साथ में हॉफमैन वाला भी बनेगा माइनर। अगर इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर पूछता तो मेरा आंसर होता 3। 3 कैसे? एक तो ये और ये सिस और ट्रांस दोनों, सिस ट्रांस और ये 3 अल्कीन, लेकिन मेजर कौन? ट्रांस अल्कीन, यही मेजर है इन जनरल। और सिस और ट्रांस में भी मेजर कौन? ट्रांस वाला, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतना मेजर हो। समझ में आ रहा है? इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रो डीहाइड्रो माने हाइड्रोजन भी हटाओ, और डीहैलोजनेशन माने हैलोजन को भी हटाओ। हैलोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, अल्कीन बनाओ। चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, एल्कोहलिक KOH इज ऑलवेज E2। जहां एल्कोहलिक KOH देख लिए, ऑलवेज E2। समझ में आ रहा है? CH3, CH2, Cl, एल्कोहलिक KOH, CH2 डबल बॉन्डेड, CH2, Cl को हटाए, H को हटाए, इथेन। समझ में आ रहा? तो एल्कोहलिक KOH कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। अगर थोड़ा सा सोचो तो आपको सिर्फ हैलोजन और एक हाइड्रोजन ही तो हटाना है, और सीधे प्रोडक्ट बना देना है बिना कोई रीअरेंजमेंट किए, ZF अल्कीन बनाना है। क्लियर है ये? हाइड्रोकार्बन का एक्सरसाइज 1 डिस्कस किए, आप हाइड्रोकार्बन का ही एक्सरसाइज 2 और 3 दोनों करके आना अगली क्लास में। 2 है क्या कि नहीं है?
टू और थ्री दोनों है ना, एक्सरसाइज टू और थ्री ये दोनों आप अटेम्प्ट करके आओगे अगले क्लास में, ठीक है। और जो तुमको नया रिएक्शन टाइप का लग रहा है उसे छोड़ देना। वन, ठीक है, टू और थ्री, टू हो चुका है, टू अभी नहीं हुआ है ना, तो टू और थ्री करके आना। क्या क्या, बहुत पहले हम टू भी करा चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, तू तो थ्री करके आना, थ्री और फोर करके आना तू, ठीक। बाकी लोग टू और थ्री करके आएंगे। और एलिमिनेशन से रिलेटेड अगर अल्कोहलिक केवच का है तो कर लोगे, अगर इवन सीवी हुआ, क्वार्टनरी अमोनियम हुआ, या ईआई, जो सवाल तुमको नया लगे उसको छोड़ दो, क्योंकि डिस्कशन ज्यादा दिन तक रोक के रखना ठीक नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन होते ही हमारे पास दो टॉपिक का ट्यूटोरियल शीट हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक तो हैलोजन डेरिवेटिव का और एक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों अप टू डेट होना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग फटाफट आंसर, पहले मैं क्या लिखोगे आंसर? अरे पहले प्रोडक्ट लिखना है, वहां देख के बता रहा है, यहीं देख के बताना। CH2 डबल बॉन्डेड CH2, यहां क्या बनेगा? CD2 डबल बॉन्डेड CD2, CL हटाना और बगल के कार्बन से एक हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो भी अवेलेबल है वो हटाए। R1 R2 में कौन सा रेट ज्यादा, कौन जल्दी निकलेगा? H की D, H जल्दी निकलेगा, इसलिए R1 ग्रेटर देन R2। अगले में प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? CL हटाए और बगल में एक ही हाइड्रोजन है, एक ही ऑप्शन है, क्या बनेगा ये? अगले में क्या बन जाना चाहिए? ये हटाए और H हटाए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, हैलोजन और बगल का हाइड्रोजन। और अगर दो दो हाइड्रोजन है तो यार हम लोग जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन बन सकता है वो बनाएंगे। तो यहां पर क्या बन गया? ये CL। यहां का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये ऊपर जो बताए थे वही सवाल है। यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रांस वाला। हालांकि तीन तीन बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, सीस भी बनेगा और हॉफमैन भी बनेगा। यहां पर क्या किया जाए? ब्रोमीन तो हटेगा, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है लेफ्ट तरफ, राइट तरफ है एक ही ऑप्शन, यही वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। रेड R3 R4 R5 तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल यही है अल्फा 6 के साथ, इसका अल्फा 2,
लेकिन इसका अल्फा 3। गौर से देखो इन दोनों में, समझ में आ रहा है? तो R5 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। CL तो हटेगा, अब बगल से H हटेगा कि D हटेगा? अगर D हटा तो ये अल्कीन, अगर H हटा तो ये अल्कीन। अब आदमी फंसता है कि यार स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देख के आंसर दे कि H और D का कंसेप्ट लगाए, क्योंकि अगर हमसे बोला जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि CH3 का प्लस H CD3 से ज्यादा होता है। प्लस H ऑफ CH3 ग्रेटर देन प्लस H ऑफ CD3, देयरफॉर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, नीचे वाला कम स्टेबल। लेकिन हमें यह भी पता है कि H जल्दी निकलता है और D धीरे धीरे निकलता है। H जल्दी निकलेगा, ये बनना चाहिए कि ये बनना चाहिए? तो रिमेंबर, H आइसोटोपिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब हम स्टेबिलिटी और आइसोटोपिक इफेक्ट दोनों में फंस जाए तो हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, पहला प्रायोरिटी देंगे। यहां स्टेबिलिटी हम लोग नहीं देखेंगे। यहां पर H निकलेगा जल्दी D से, H जल्दी निकला D से, दिस वन विल बी मेजर। जो लेस स्टेबल है उसी को मेजर बोल रहे। समझ में आ रहा ना बाबा? क्लियर है? और भी हम सवाल करवाएंगे इस पे जो इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम लोग बेसिक सवाल कर रहे हैं। कार्बन का 5 वैलेंसी लगा लिया तो चश्मा खोल के देख, कार्बन का 5 वैलेंसी करके बैठा हुआ अल्टीमेट है और दिखा भी रहा सर। चल ठीक है, थैंक यू।